नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पिछली छह राशियों में हमने बताया शनि का गोचर, यानी जो शनि मार्गी हुए हैं। अब इसे गोचर नहीं, इसे मार्गी कहेंगे हम, क्योंकि ये शनि ऑलरेडी मकर राशि में ही चल रहे हैं, वहीं पे मार्गी और वक्री अवस्थाएं हो रही थी। अब की बार जो मार्गी अवस्था है उसका प्रभाव भी कुछ अच्छा रहने वाला है, लेकिन किन राशियों पर अच्छा है, किन राशियों को थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। मेष से लेकर के कन्या राशि तक हमने बताया, साथ में तीन उपाय भी बताए थे, लेकिन अब की बार भी हम तुला से लेकर के मीन तक का बताएंगे हाल। उसके बाद हम देंगे आपको तीन उपाय, यानी टोटल हो जाएंगे छह उपाय। ये छह उपाय आपने जरूर करने हैं। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपकी कुंडली में कुछ परेशानी के योग बन रहे हैं, तुला राशि की बात करते हैं, यानी लिब्रा की बात अगर हम करते हैं, तो शनि चतुर्थ भाव में मार्गी हो रहे हैं, यानी फोर्थ हाउस में ये मार्गी होंगे। अब फोर्थ हाउस में मार्गी होने से क्या होता है कि कुछ लोगों के जैसे घर नहीं बिक रहे थे, पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थे, कई सारे टोटके उपाय अपनाते रहते हैं लोग, लेकिन अब ये समय जो होगा मार्गी होकर के, तो आपके लिए वो सिचुएशन का हल निकालेंगे। पुरानी प्रॉपर्टी के बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ऐसे योग बनेंगे। अगर आपको लगता है कि नॉर्मली ही हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी ही खरीदना चाहते हैं तो भी आपके लिए फायदा होगा। जो लोग पुरानी गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, बेचने का, खरीद फरोख्त का बिजनेस करते हैं, तो उनको खास लाभ मिलने वाला है, उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा। ये मार्गी होना ये उनके लिए अच्छा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ परिवार के सदस्यों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, यानी माता रूपी व्यक्ति है या फिर माता का स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है। एक और चीज का खास करके ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपको कोई बीमारी चली आ रही है काफी पहले से और उस बीमारी का सोल्यूशन जो है वो निकल नहीं पा रहा था, सोल्यूशन तो निकलेगा लेकिन आपको कंटिन्यूशन में मेडिसिन खानी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि हम लोग को सोल्यूशन निकल जाता है, हम दो दिन मेडिसिन खाते हैं ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हम मेडिसिन से ही खाना छोड़ देते हैं, तो प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा, तो ये आपको खास करके करना पड़ेगा। जॉब वाले जॉब भी बदल सकते हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं, आपको कोई नए काम भी मिल सकते हैं, धन की बढ़ोतरी भी हो सकती है, तो कुल मिला करके नॉर्मली ये सिचुएशन आपके लिए बेटर ही फील हो रही है, बट फिर भी वहां पे अटेंटिव रहने की जरूरत है, आपको कुछ उपाय करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम वीडियो में जरूर बताएंगे कि आपको कौन से तीन उपाय हैं जो आपने करना है, क्योंकि पहली वीडियो, इसी से पहली वीडियो जिसमें छह राशियां थी मेष से कन्या तक, तो उसमें भी हमने तीन उपाय बताए, तो तीन वो और तीन इस वीडियो में जो उपाय दिए जाएंगे तो आप जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करते हैं, तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये मार्गी शनि जो तृतीय भाव में मार्गी हो रहे हैं, तृतीय हमारी मेहनत है, हमारा पराक्रम है, हमारी खुद की हिम्मत है, हमारी खुद की चेष्टा है। चेष्टा मीन्स हमारी मेहनत में कितना फल हमें मिलेगा, जैसे ग्रहों का भी चेष्टा बल होता है ऐसे ही इसमें भी इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। आपके अपने भाई बहनों के साथ जो कहीं डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाई झगड़े, नहीं अच्छे लग रहे थे, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं थी, तो ऐसे में आप लोगों के कुछ अच्छे रिलेशंस बनने की संभावनाएं हैं, काम अच्छा होगा, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी, जॉब के अंदर भी कुछ चेंजेस आने की संभावनाएं हैं, लेकिन एक ध्यान को रखिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी कई बार आपको गुस्सा आ सकता है, तो जल्दी गुस्सा ना आए उसके लिए आपने उपाय तो करने हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट आपका बिहेवियर रहेगा, आपकी नेचर का भी रहेगा, तो आपको बीमारी भी लग सकती है, तो ध्यान रखना है, आपने थोड़ा सा संभल करके चलना भी है। धनु राशि की बात करते हैं, यानी सेजिटेरियस की बात करते हैं, तो आपकी राशि से धन भाव यानी सेकंड भाव के अंदर इसका मार्गी होना ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। कुछ अच्छी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और बहुत दिनों से वो प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं आ रही है, वो आएगी। कुछ लोगों ने मकान किराए पे डालना होता है, नहीं लग रहा, इजी सोर्स जो इनकम का है नहीं बन पा रहा, उनके लिए फायदा है। विदेश के लोग जो कहीं पैसा लगा करके काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को जो फंसा हुआ धन, जब विदेश का फंसा हुआ धन वो आपको मिल सकता है,
आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, कुछ बिहेवियर के अंदर चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमें घेर लेते हैं धन का अभाव। धन अगर नहीं होता है तो हमारी परेशानियां ज्यादा होती हैं, लेकिन धन जरूरी नहीं कि एक ही बार झटके में बहुत सारा आना चाहिए। कहते हैं कि सिस्टमेटिकली अगर आपके पास हर महीने धन आता रहे तो ये सिचुएशन जो होती है सबसे बेटर मानी जाती है, बेस्ट होती है। ध्यान रखने की जरूरत है, आपको अहंकार नहीं करना चाहिए, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, आपको अननेसेसरली किसी के साथ उलझना नहीं चाहिए। तो इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये जो मार्गी होना, वक्रीय से मार्गी होना, ये प्लेनेट का जो स्वभाव अच्छा होने जा रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो कहने की जब मार्गी होते हैं तो हम स्ट्रेस में होते हैं, तो सेम ग्रह भी होते हैं। जब मार्गी होते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं, और सेम ग्रहों का भी यही सिचुएशन रहता है। मार्गी में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन वक्री अवस्था में वो थोड़े से रेस्टलेस रहते हैं। तो रेस्टलेस नहीं है, अभी थोड़े से बेटर होंगे, तो आपके लिए भी काफी बेटर सिचुएशन बनाते हुए नजर आएंगे। मकर राशि की बात करते हैं, यानी कैप्रिकॉन की बात हैं, तो आप ही की राशि में है वो शनि, और आप ही की राशि में वक्रीय भी हुए थे, आप ही की राशि में मार्गी भी हो रहे हैं, और मार्गी होना उनका आपके लिए बहुत बेटर है। और ये जो भाव होता है, क्योंकि जब हम काल पुरुष की कुंडली से हम चलते हैं तो ये दशम भाव होता है, और शनि जहां बैठते हैं वहां बड़ा अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन एक उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो मार्गी का होना चाहिए, नहीं कि वक्रीय का। तो ऐसे में आपको तो काफी ज्यादा हद तक फायदा देते हुए नजर आएंगे, आपको काफी लाभ देते हुए नजर आएंगे, आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी देंगे, आपके जीवन के अंदर कुछ अच्छे लाभ भी देंगे, आपके जीवन के अंदर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ धन के अंदर बढ़ोतरी करेंगे। हो सकता है कुछ अवार्ड रिवॉर्ड जो आपको काफी समय से नहीं मिल रहे थे वो अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिल सकते हैं। आपकी ओवरऑल जो लाइफ है, चाहे वो आपकी सर्विस की लाइफ है, चाहे आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे आपके लव अफेयर्स थे, चाहे आपका बिजनेस था, पार्टनरशिप था, यानी कई तरह की सिचुएशंस हम हैंडल करते हैं, कई तरह की सिचुएशंस में हम कभी कभी उलझे रहते हैं। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन थी, बहुत ज्यादा वर्स्ट होती जा रही थी सिचुएशन, तो ये सिचुएशन आपके बाहर निकलने की सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको अपने आप को संभालने की सिचुएशन बन रही है। इस सिचुएशन में आपकी कुछ अच्छी अच्छी डेवलपमेंट और अचीवमेंट्स भी होंगी। कुंभ राशि की बात करते हैं, यानी एक्वेरियस वालों के लिए, तो शनि द्वादश भाव में, और शनि द्वादश भाव में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते, करते हैं जब रेट्रो होते हैं, और रेट्रो में कहते हैं कि शनि नुकसान कराते हैं, लेकिन हमारे तीन भाव ऐसे हैं जहां शनि जो है रेट्रो होकर के अगर इन भावों में बैठते हैं तो उनको फायदा देते हैं। उनमें से एक भाव बारवां भाव भी है, यानी ये भाव में अगर आपके पहले खर्चे ज्यादा थे या अभी भी खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो आपको तो उपाय करने ही करने हैं, लेकिन हाँ आपके खर्च हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे मार्गी होना उनका आपके लिए खर्च को बढ़ा सकता है, आपके लिए कुछ परेशानियां ला सकता है, अननेसेसरली कि आपको तनाव स्ट्रेस परेशानियों से रूबरू करा सकता है। बार बार हो सकता है कुछ ऐसे लोगों का चेहरा आपको देखना पड़े जिन्हें आप नहीं देखना पसंद करते हो, या ऐसे लोग आपकी जिंदगी में टकराए जिनसे आप कोसों दूर रह करके दूरियां बनाना चाहते थे, तो ऐसे लोगों के साथ आपका आमना सामना जो टाइप होगा वो ज्यादा होने लगेगा। तो ज्यादा इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, बस अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव हो सकते हैं अगर आप अटेंटिव अवेयर रहते हैं, तो आपको भी उपाय करने की जरूरत है। आखिरी राशि है मीन राशि, यानी पाइसिन, तो आपके लिए 11th भाव से ये मार्गी होंगे, और 11th भाव हमारा बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है, यानी खर्च करें पैसा आ जाए, ये सामान खरीदे उसका पैसा आ जाए, ये सामान हम ले जाकर के किसी को देना चाहे बट उसका पैसे आ जाए, यानी कहने का मतलब है कि पैसे आ जाए, ये वो वाला भाव होता है। 11th भाव आपकी इनकम भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भाव, क्योंकि अगर हम दशम से चलते हैं तो 11th भाव उसका द्वितीय भाव होता है जो कि धन भाव ही कहा जाता है। तो ऐसे में आपकी अच्छी स्थिति, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे परिवर्तन, अच्छे चेंजेस, जॉब बिजनेस, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ अच्छे टाइप मिलेंगे आपको। आपके लिए थोड़ा सा मेहनत तो डेफिनेटली, क्योंकि शनि जो है वो स्लोएस्ट प्लेनेट है,
और ये बहुत एनर्जी नहीं दे करके रखते हैं, बट अगर आप अपने आप को एनर्जाइज रखते हैं, एनर्जी बना करके रखते हैं, तो ये मानिए कि आपको काम काफी सारे काम आपको दिला सकते हैं और कुछ बड़े चेंजेस भी कर सकते हैं आपकी जिंदगी अंदर, कुछ अच्छे चेंजेस भी हो सकते हैं। अब करना क्या चाहिए, तीन ऐसे उपाय जो आपको इसमें भी करने हैं, यानी ये तीन वीडियो, जो दो वीडियो है उसमें तीन उपाय पहली वीडियो में थे, तीन उपाय इस वीडियो में है। आपको सबसे पहले मेन चीज है बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, ये तो आपको हर शनिवार को करना ही करना चाहिए। उसके बाद आपने हर शनिवार को एक तांबे की कटोरी ले लीजिए, उसे सरसों के तेल से भर लीजिए, उसमें अपने मुख को देखिए और मुख को देखने के साथ साथ स्पेशली आपने इस ललाट को जरूर देखना है, यानी यहाँ पे आपका जो आज्ञा चक्र है उसको जरूर बहुत ध्यान से निखारिएगा। उसके बाद आपने ये तेल की जो कटोरी है ये आपने किसी भी जरूरतमंद, जो शनि की चीजें मांगने के लिए आते हैं, तो उन्हें दे दीजिएगा। और एक और उपाय है बुजुर्गों की सेवा आपको करनी चाहिए, लेकिन गौ माता का स्पर्श जरूर करना चाहिए एवरी सैटरडे। इससे आपके जीवन के अंदर ठहराव भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी, जो चीजें आपके पास है उसका आनंद अच्छे से ले पाएंगे, जो नहीं है उसके पीछे इतने ज्यादा विचलित नहीं हो जाएंगे कि आप अच्छाइयों को अपनी भूल जाए या छोड़ दें, तो बैलेंस जिंदगी आपकी होगी। तो आपने भी ये तीनों उपाय जरूर करने, लेकिन पहली वीडियो में जो तीन उपाय है उन्हें भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि टोटल छह उपाय है और ये दोनों ही वीडियो शनि के मार्गी को होने के लेकर के है, तो आपने जरूर इन वीडियोस को देखना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, मेरी हर वीडियो को जरूर देखें। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।